दोस्तों, जैसा कि सीटेट जुलाई 2023 का जो करेक्शन है वो 29 मई से स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है करेक्शन की वो 2 जून 2023 तक है। तो ऐसे में मैंने आप सभी को सारा डिटेल दिया था कि आप जो है करेक्शन डेट पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उसका डिटेल मैंने पूरा दिया था कि उसमें जो नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई थी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसका जो पेज था मैंने पूरा आप सभी के सामने शो किया था कि दोस्तों आप लोग जो है इसमें क्या क्या करेक्ट कर पाएंगे। अपना नेम कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, फादर मदर नेम कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे बहुत बच्चों ने इंग्लिश की जगह संस्कृत ले रखा है तो अब वो फिर से इंग्लिश लेना चाह रहे हैं तो वो करेक्ट कर पाएंगे। पेपर वन पेपर टू में अगर आपने एक पेपर फिल किया है या फिर पेपर वन फिल किया है तो पेपर टू भी लेना चाह रहे हैं, पेपर वन को जो है उसको हटाकर पेपर टू लेना चाह रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, और दोनों पेपर यानी बोथ पेपर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सारा जो है, और आप जो है इंस्टीट्यूशन यानी जो आपका कॉलेज नेम है वो मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी थी। बट दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जैसे जिन्होंने किसी दूसरे से फॉर्म फिलअप करवाया, अपना किसी कैफ़े वगैरह से फॉर्म फिलअप करवाया, तो अब जो है करेक्शन के लिए उनको बार बार वहाँ जाना पड़ा या कैसे, ये सारी चीज़ें बहुत से अभ्यर्थियों की इसको लेकर के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो है हम लोग खुद से कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम लोग यही जानेंगे कि आप अपनी मोबाइल से खुद से ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, चाहे आपसे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई। और फिर एग्ज़ाम सिटी को ले लें तो जैसे एग्ज़ाम सिटी आप खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत से अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, असम की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम यहाँ पर सीट अभी भी फुल दिख रही है तो कैसे हम चेंज करें। दोस्तों देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि सीटें जो है अभी खाली नहीं दिख रहे हैं, और बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट है कि मैम मैंने अपना जो है एग्ज़ाम सिटी जो है चेंज कर लिया, मेरा हो गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुशी मिल रही हैं, बट कुछ लोगों का नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, मैं अभी सारी चीज़ें जो है डिटेल में बता रही हूँ। पहले आप लोग यहाँ पे देख लें स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी आप गूगल या फिर गूगल क्रोम कहीं से भी आप जा करके सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट.nic.in पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, ये सामने जो है कुछ भी आए तो ये आपको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है एडिट मेक चेंज टू द एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट जुलाई 2023, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये पेज ओपन होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एडिट मेक चेंज टू द एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट जुलाई 2023 रेड कलर में आप लोग देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपका ओपन हो रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, एप्लीकेशन आपका जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर वो डालना है, आपका जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डालना है, सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे खुद दी गई है वो तो वहाँ पे दी गई है वही शो करना है आपको, वही डालना है, उसके बाद साइन इन कर देना है। साइन इन जैसे करेंगे दोस्तों, आपका जो पूरा फॉर्म है आपने फिलअप किया है वो सामने ओपन हो जाएगा, और आपको जो है उसमें जो भी मिस्टेक किया हो आपने, जैसा कि मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही, और इस पर पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि आप उसमें क्या क्या करेक्ट कर पाएंगे, तो जो भी आपसे मिस्टेक हुई होगी आप जो है पूरा बहुत अच्छे तरीके से करिएगा और उसको 2 से 3 बार चेक करिएगा। और दोस्तों, मैं अभी जो करेक्शन की डेट नहीं आई थी उससे पहले ही मैंने बार बार आपसे बताया था कि दोस्तों करेक्शन की डेट आएगी, उसमें भी जो है आप अपना एग्ज़ाम सिटी चेंज कर पाएंगे, लेकिन उसमें भी वही रूल है, यानी पहले आओ पहले पाओ। आप जितना जल्दी करेंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो इसमें बहुत से, जैसा कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम यहाँ की सीटें फुल हैं, यहाँ की फुल है, तो मैं अभी उसको जो है डिटेल में बता रही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बहुत से अभ्यर्थी जो है अपना चेंज कर चुके हैं। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे, आपसे जो भी गलती हुई है, जो भी मिस्टेक हुई, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम सिटी चेंज करने की बात है, तो दोस्तों आप लोग जैसे एग्ज़ाम सिटी, अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आप हैं तो उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोग मान लें लखनऊ की या फिर आप लोग गोरखपुर की कहीं की भी बात कर लें, दोस्तों ये मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ उत्तर प्रदेश का, बाकी आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे असम के हों, बिहार के हों, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि अगर ऐसा है तो बिहार के जो अभ्यर्थी वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम बिहार में कितनी सीट है, क्या यहाँ पर खाली है, तो जो रूल दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में खाली रहेगा और बिहार में या फिर महाराष्ट्र में या फिर असम में, झारखंड में, यहाँ पर नहीं खाली रहेगा। वहाँ पे सीटें, जैसे कुछ बच्चे जब इधर उधर जा रहे हैं तो वहाँ की सीटें खाली हो जा रही हैं, मैं इसका डिटेल आप सभी को बता रही हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश का
अगर हम लखनऊ की बात करें, मैं यहाँ का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लखनऊ के जो बच्चे सीटें जैसे बहुत तेज़ी से फुल हुई थी, बिहार के सीटें 3 ही 4 दिन में फुल हुई, तो बिहार के जो बच्चे थे ज़्यादातर लखनऊ कानपुर यहाँ के लिए अपनी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो जो लखनऊ के बच्चे थे उनको सीटें न मिलने की वजह से वो दिल्ली या अदर स्टेट में इस तरह से गाज़ियाबाद या फिर मेरठ में जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अब जो है अगर जो बच्चे जैसे बिहार के जो बच्चे थे अगर उनके आसपास सीटें अगर कुछ खाली हुई हैं तो वो अपने यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं, तो लखनऊ में सीटें जो बच रही हैं खाली हो रही हैं, तो फिर जो लखनऊ के अभ्यर्थी दिल्ली गए हुए हैं वो दिल्ली छोड़ करके अपना लखनऊ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना, ऐसा नहीं है कि इसमें करेक्शन डेट में सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं दोस्तों, कि करेक्शन डेट में सीटें बढ़ाई गई हों चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, जब बच्चे अपना इधर उधर जा रहे हैं तो वहाँ की सीटें खाली हो रही हैं, ठीक है। चाहे आप गोरखपुर की ही बात कर लीजिए, अगर आप किसी दूसरे इस सिटी से होंगे, अगर गोरखपुर अप्लाई कर दिए होंगे, गोरखपुर आपके लिए दूर है, तो अगर आपके आसपास जो है सिटी मिल गई होगी तो गोरखपुर की जो एक सीट आपकी थी वो तो खाली हो गई होगी। अब जो गोरखपुर का एक अभ्यर्थी होगा वहाँ लेना चाहेगा तो वो तुरंत अप्लाई कर लेगा, वहाँ के लिए सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि आप फॉर्म को अगर एक बार फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो फिर से ओपन नहीं होगा, तो जो भी गलती आप किए हैं एक बार एक पेज पर जो है लिख लीजिए कहाँ पे क्या गलती हुई है, उसके बाद अपना फॉर्म ओपन करिए, उसमें जो भी करेक्शन करना है करिए। और दोस्तों एग्ज़ाम सिटी की अगर बात करें, अगर नहीं शो कर रहा है तो आप लोग थोड़ी थोड़ी बाद देर बाद जैसे चेक करते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार जो है अपना फॉर्म ओपन किए हैं तो उसको फाइनल सबमिट ही करना है। टोटल वैकेंट में ये गलती मत करिएगा, जैसे आपने जो सिलेक्ट कर रखा है ऐसा नहीं है कि आप ओपन करेंगे तो आप जो पहले एग्ज़ाम सिटी थी वो हट जाएगी या दूसरी आ जाएगी, आपकी वही रहेगी जब तक कि आप दूसरी जगह सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम क्या अगर हम फॉर्म को ओपन कर रहे हैं कहीं अदर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या जो हमने पहले से एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर रखा है वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो आपका तो रहेगा। जैसे आपने अगर मान लीजिए कुछ बच्चे जो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, वहाँ का सिलेक्ट किए हैं, तो आप वहाँ का जब सिलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी मुंबई में, तो दोस्तों जब आप वहाँ पे सीट अभी खाली नहीं, कोई बच्चा इधर उधर नहीं गया है, तो वहाँ पे टोटल वैकेंट 0 दिखाएगा, तो उस टोटल वैकेंट 0 में आप भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं है तो टोटल वैकेंट 0 दिखा रहा है, यानी आप उसमें हैं। जैसे ही आप वहाँ से दूसरी जगह सिटी सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे एक सीट खाली हो जाएगी। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो जब तक आप कहीं और सेलेक्ट करके फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो पहले वाली एग्ज़ाम सिटी है वो चेंज नहीं होगी। और दोस्तों इसका एक ही बारे में बार बार कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको 5 दिन का करेक्शन का टाइम दिया गया है, तो आप 5 दिन में कभी भी कितनी भी बार जो है आप चेंज कर सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। मैंने पूरा आपको जो है नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, मैं पूरा जो है नोटिस आप सभी के साथ शेयर की थी, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक बार करेक्ट करना है, उसके बाद जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें जो भी है, अगर आप एग्जाम सिटी देख रहे हैं कि आपके आसपास नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आप उसको चेक करते रहिए, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, शाम में या फिर मॉर्निंग में, रात में, मतलब हर टाइम आप चेक करते रहिए। आप जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे आप चेक कर सकते हैं, जब फाइनल सबमिट कर लेंगे तब फिर कोई बात नहीं है, आपने जो करना होगा कर लिया, ठीक है। तो फाइनल सबमिट तभी करिएगा जब आपके आसपास मान लीजिए अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो पुराना वाला है वो तो रहेगा ही। तो इस तरह से आप चेक करते रहिएगा। बहुत से अभ्यर्थियों का ऐसा हुआ है, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आया कि मैम मैंने आधा घंटा चेक करते करते मेरा एक जगह सीट जो है मिल गया है। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम इतना टाइम लग गया, मैंने एग्ज़ाम सिटी जो है अपना पा लिया है जहाँ पे थोड़ा दूरी पे ही, लेकिन अपने आसपास पा जा रहे हैं अभ्यर्थी। तो अच्छा लग रहा है कि दोस्तों आप लोग भी यही काम करिए, थोड़ा चेक करते रहिए, कुछ टाइम पे हो सकता है कहीं पर तो खाली मिल जाएगी, आप लोग वहाँ एक ही सीट चाहिए आपको, आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपका रिप्लाई करूँ, बट कर भी रही हूँ। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनके कुछ जेन्युइन क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में बता दूंगी आपको क्या कुछ कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा जो भी आपके मन में डाउट हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का जो जेन्युइन क्वेश्चन है उनका रिप्लाई मैं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हर अभ्यर्थी का जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है वो दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।